आज उद्घाटन पता नहीं क्यों नहीं गया, टाइम ज्यादा लग गया थोड़ा, मस्ती मार रहे हैं आप जी। आप बताओ, हम तो मस्ती मार रहे हैं जी। कपड़े पहन लो यार, आप घूमने आए हैं जी? घूमने आए हैं। बहुत से लोग हैं जो लगातार इस पुल को देखने आ रहे हैं कि पुल शुरू हुआ या नहीं हुआ। चार साल बाद ये आरओबी बनकर तैयार हुआ है, तो लोगों की जिज्ञासा भी है कि हम इस पुल को देख तो लें, एक बार एक नजर देख तो लें। हो गया हमारा सेक्टर अब कनेक्ट होगा, मेन पंचकूला के साथ कनेक्ट हो गया हमारा सेक्टर, बनकर तैयार हो गया चार साल बाद। हम लोग बहुत इसके इंतजार कर रहे थे कि कब चालू होगा। 26 जनवरी 2023, आज वो दिन आ गया जिस दिन आरओबी यानी कि रेलवे ओवर ब्रिज, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए या फिर जो यहाँ के जनता है उसके लिए अनौपचारिक तौर पर खोल दिया गया है। फिलहाल मैं आरओबी के बिल्कुल ऊपर हूँ और फिलहाल शुरू से लेकर लास्ट तक ये पुल की बात करी जाती है अगर, तो पूरा पुल ये फिलहाल खुल चुका है, लाइटें यहाँ पर लग चुकी है, पेंटिंग यहाँ पर हो चुकी है, रोड ये तैयार हो चुका है। यानी कि 26 जनवरी 2023 को जो ये पुल है, आज इसका उद्घाटन ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ कमियां यहाँ रह गई थी या कुछ जो है यहाँ पर काम रह गया था, जो कि वो भी आज रात तक 12 बजे तक कह रहे पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुल जो है देरी से ही बना लेकिन बनकर तैयार हुआ, और देखिए गाड़ियां यहां पर फिलहाल चलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग भी खड़े हैं यहां पर, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अनुभव कर रहे हैं। बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की, चार साल बाद मिला है सर तोहफा सरकार की तरफ। हाँ भाई, टाइम तो लगे, टाइम तो लगेगा अभी, टाइम तो इतना, मान लो जिसने कहने तो सारी बातें भुला दी जाएंगे, चार साल बाद इसका उद्घाटन करेंगे तो कम से अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया हो गया, यू ठीक है। टाइम तो लगे, टाइम एक तो जगह भी कम थी यहाँ, तो इतनी जगह कम होते हुए पूर्व सरकार ने बनाया है, जो कोई इंजीनियर ने नक्शा बनाया है तैयार कराया, तो सही है, बढ़िया है, मतलब टाइम तो अच्छा लग गया, टाइम ज्यादा लग गया थोड़ा। आप सर क्या बोलेंगे सर? हम पर ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। चलो यहाँ 26 जनवरी को उद्घाटन करने के लिए कहा था, उद्घाटन नहीं किया गया। हाँ जी हाँ जी, आज उद्घाटन पता नहीं क्यों नहीं गया, लेकिन सुविधा होगी हमारे लिए बस। चलो, गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर लगातार शुरू हो गया, कुछ लोग और भी हैं वह दिखाए, जिस तरह लोग यहाँ पर बच्चे हैं चाहे यहाँ पर नौजवान लोग, और करीबन करीबन चार साल बाद ये आरओबी बनकर तैयार हुआ है, तो लोगों की जिज्ञासा भी है कि हम इस पुल को देख तो लें, एक बार एक नज़र देख तो लें, क्योंकि चार साल तक इंतजार किया है। और फिलहाल गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, और वैसे बता दें आपको कि ये जो पुल है अभी अनौपचारिक तौर पर इसको शुरू किया गया है। भाई साहब रुको रुको रुको, गड्डी स्टार्ट कर दी? हाँ जी हाँ जी, बढ़िया से आ रहे हो? बिल्कुल पूरी स्टार्ट कर दी है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल साहब, बढ़िया। आप ठेकेदार की तरफ से हो कि अपनी गड्डी वैसी लेके? ये अपनी गाड़ी है जी। अच्छा, अपनी गाड़ी है। हाँ जी, मजा आ रहा है? बढ़िया बिल्कुल सर, मजा आ गया। चलो जी, फिलहाल ये जो है इनको मजा आ गया, क्योंकि मजा आना ही था, चार साल बाद इस पुल का शुरुआत हुई है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर खड़े हैं, बहू जी आप बताएं। बोलिए, आप लोग यहाँ घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं? हाँ, पैदल घूम रहे हैं, ओवर ब्रिज या घूमने थोड़ी ना है। अरे नहीं, देखने आए क्या? मतलब भाई देखने आए, चार साल बाद कम से कम ये बनकर तैयार हुआ है। बनकर तैयार हो गया चार साल बाद। हम लोग बहुत इसके इंतजार कर रहे थे कि कब चालू होगा, लेकिन चार साल बहुत लोगों ने बहुत यहाँ पे दिक्कत झेली है, लोगों के शोरूम थे यहाँ पर, लोगों दुकानदारियाँ भी नहीं होती थी उसके बाद, लेकिन जो चार साल बाद लेट से हुआ, शुरू तो हुआ, काम तो हो गया। चलो, काम है, शुरू तो हुआ सर, आप भी यहाँ पर हैं, कैसे देखते हैं? लगातार जैसे स्टार्ट हुआ है पुल, चार साल देरी लगी है, लेकिन अब शुरू कर दिया। और देरी का जो रीज़न था, वो सबसे बड़ा रीज़न है कोरोना का काल टाइम, जो तीन बारी कोरोना टाइम आया, इसकी वजह से लेट हुआ। नहीं तो अदरवाइज लेट नहीं होना था, टाइम पे होना था, गवर्नमेंट इसके साथ लगी हुई थी। नहीं, जब सीएम साहब आए उसके बाद तो काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। नहीं, सीएम साहब तो लास्ट में आए, उससे पहले ज्ञान जी लगे हुए थे। इतनी तेजी से काम तो पहले नहीं हुआ नहीं, था ना? वो स्पीकर साहब लगे हुए थे, स्पीकर साहब कई बार आए हैं इस चीज के लिए, कई बार उन्होंने टाइम दिया, लेकिन कोरोना की वजह से ये काम डिले हुआ, लेकिन लास्ट टाइम अच्छा काम हुआ और टाइम से चालू हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखेंगे भाई साहब, आप जरा बताएंगे जरा कुछ? हाँ, आप बताएंगे सर, इसका उद्घाटन जो है फिलहाल अभी नहीं किया गया, आज करना था लेकिन अनौपचारिक तौर पर इसको खोल दिया गया, कैसे देखते हैं, कितना इसमें मतलब लोगों को सुविधा मिलेगी? इसमें सर लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। यहाँ 19 के लोग बहुत परेशान थे जी, बल्टाना से घूम घूम के जाना पड़ता था, हाईवे पे जाना पड़ता था। लेकिन आपने तो सारी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिया, अब इसके रेट बढ़ जाएंगे सारी प्रॉपर्टियों के? ना, ऐसी तो बात नहीं है सर, कोई कहता है कि बढ़ेंगे, कोई कहता है नहीं, अपना अपना ओपिनियन है। कोई कहता है कि मेन रोड पे बहुत दुखी है, यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया है, कोई कहता है कि भाई रेट बढ़ जाएंगे। अब बताओ किसकी बात माने, आप बताइए। ठीक है, कुल मिलाकर सुविधा लोगों को दे दी आपने? सुविधा तो पूरी है सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी बताओ जी, आप भी बताओ कुछ। बहुत बढ़िया हो गया है, मतलब तीन चार साल से हम कभी हाईवे से जा रहे हैं, कभी कहीं से जा रहे हैं, अब ये है हमारा घर बिल्कुल सामने है वहाँ पुल से, अब ये है भाई 14 जाना है, 15 जाना है, ये इस हाईवे से हम होकर। चार साल समय तो लगा दिया ना, चार साल समय लगा। देखो जी, सबकी गलतियां हैं, अंदर से सरकार को भी पता है कि हाँ कहीं जगह रह गया उनका, स्टे लग गया था, कभी कुछ हो गया, पर ये अब जो एंड में जो भी होगा अच्छा हो गया।
ठीक हो गया, खुल गया जी, अब हम भी अपने मजे करेंगे, सरकार के पास भी रहेंगे। रोड पे क्या मजा करेंगे साहब, रोड पे क्या मजा करेंगे? मजा तो ये करेंगे ना जी, पहले यूं कभी धक्के खा रहे हैं, कभी आने जाने में आसानी हो जाएगी। पहले जाते थे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता था, 10-15 तेल बचेगा, तेल बचेगा। हम तो वैसे बिजली वाले बंदे, बिजली पे चलते हैं, हम बिजली वाले। जो छोटे छोटे खर्चे भी बचा के हमारी, तो उसमें बहुत खुशी होती है हम मिडिल क्लास को। तो इसका बहुत हमें फायदा है कि खुल गया, ठीक है, अब हमें अपने घरों से कहीं भी जाना है, इतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा, सीधा पकड़ेंगे आरओबी, सीधा टपा देगा हमें उधर अभीपुर के पास, अपनी रोडों के साथ कनेक्ट हो गया हमारा सेक्टर, अब कनेक्ट हो गया मेन पंचकूला के साथ, कनेक्ट हो गया हमारा सेक्टर। सेक्टर जो है इनका फिलहाल कनेक्ट हो गया, ये कहना है लोगों का। लेकिन साथ साथ बता दें, सामने दिखा दें, लोगों का आना जाना है, पीछे भी लोगों का आना जाना है, और लोग यहाँ पर सैर भी कर रहे हैं, लोग यहाँ पर चल भी रहे हैं। सर सर, आज आप यहाँ पर सैर कर रहे हैं, आपको नजर आ गया कि आरओबी खुल चुका है, कैसे देखते हैं आप? जी बहुत बढ़िया जी, ये आज ही खुला है शायद, कल भी आए थे तो कल बंद था, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिल जाएगी, पेट्रोल की बचत हो जाएगी, पेट्रोल की बचत हो जाएगी। कैसे देखते हैं, मतलब जो उपलब्धि अच्छी है लोगों के, सेक्टर वासियों के लिए? हाँ जी बहुत अच्छी है जी। लेकिन आने वाले समय में सर आपको लगता है कि बल्टाना के लोग भी यहाँ पर रश करेंगे, बल्टाना की भीड़ भी काफी ज्यादा होगी? बल्टाना की भी हो सकती है, वैसे उधर से भी एक ब्रिज बना है अंडर ब्रिज, उससे भी लोग निकल रहे हैं, इससे भी निकलेंगे, तो काफी फायदा होगा वैसे 19 सेक्टर वालों के लिए, काफी फायदा होगा 19 सेक्टर वालों के लिए। और साथ साथ बता दें आपको कि जो ये आरओबी है ये कनेक्टेड करता है बल्टाना को भी, और बल्टाना के लोग भी यहाँ से निकलेंगे, और साथ साथ जीरकपुर की अगर एंट्री करी बात करी जाए तो वहाँ के लोग भी यहाँ से निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये आरओबी है ये काफी व्यवस्थित और काफी बिजी होने वाला है। आप याद कीजिए जब सेक्टर 19 का ये रेलवे फाटक होता था तो कितना रश लगता था, और कम से कम आधा आधा घंटा ट्रेन जब पास होती थी तो वहाँ पर रश लगता था। लेकिन साथ साथ उसके बाद जो विकास की बात करी जाती है तो दो डबल लाइन ये पटरी हो चुकी है, अप डाउन की पटरियां हो चुकी है, वो बेनिफिट हो चुका है, साथ साथ में आरओबी का जो ये निर्माण हो चुका है। हाँ ये जरूर कहते हैं कि बहरहाल 4 साल की बात करी जाए, 4 साल की कड़ी मेहनत करी गई है और 4 साल बाद इस आरओबी का निर्माण किया गया है, और 4 साल बाद ये जो पुल है ये बनकर तैयार हो गया और लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो जो लोग खबर देख रहे हैं आपको सूचित कर दिया जाता है कि यहाँ पर आवाजाही लोगों की है, अनौपचारिक तौर पर इसको शुरू कर दिया गया है। और भी लोग हैं भाऊजी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मैं तो ऐसे घूमने आता है। घूमने आए थे? पुल देखने वास्ते। पुल देखने चल गया पुल जी? हाँ पुल चल गए। आपके पास गाड़ी है कोई? नहीं मेरे पास नहीं, मैं तो ऐसे 19 सेक्टर में रहता हूँ। बस ये देखने आए थे कि मतलब 4 साल बाद इतने दिनों बाद ये पुल शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बस यही देखने आए थे। अब बहुत ठीक हो गया। चलिए, बहुत से लोग हैं जो लगातार इस पुल को देखने आ रहे हैं कि पुल शुरू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने ही खबर दिखाई थी, जब उस खबर के अंदर बताया था कि यहाँ पर जो पुल है वो 26 जनवरी को तैयार होकर लोगों को समर्पित करने की बात कही जा रही है। अब 26 जनवरी को ये पुल तैयार होगा या नहीं होगा इसको हम जरूर दिखाएंगे। तो 26 जनवरी की रात का समय है और यहाँ पर दिखाया जा रहा गाड़ियाँ जो है लगातार आवाजाही जो है गाड़ियों की शुरू हो चुकी है, गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार बना हुआ है। कुछ महिलाएँ भी हैं जी। मैम एक मिनट, आप यहाँ पर सैर कर रहे हैं माता जी? हाँ जी। पुल खुल गया जी, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 4 साल बाद खुला है जी? हाँ जी 4 साल के बाद। तो सुविधाएं मिलेगी आपके 19 सेक्टर वालों को? देखो तो चलेगा तो पता चलेगा। अच्छा रस भी तो होएगा ट्रैफिक का जो है आवाजाही, क्योंकि 4 साल तक सुनसान था, 4 साल तक शांति थी, अब लगातार यहाँ पे आवाजाही लगेगी, लोगों को रश भी होगा, कई और भी बातें भी आगे देखने को मिलेगी। हाँ जी देखो क्या होता है। चलिए आप सैर कर रहे हैं? हाँ चलिए माता जी सैर कर रहे हैं। और फिलहाल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 26 जनवरी 2023 का वो दिन जिस दिन हमने आपको कहा था कि आपको इसकी रियलिटी दिखाएंगे कि क्या ये पुल जो है बनकर तैयार हो जाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ तक भी कहना था कि 26 जनवरी छोड़ो, 2023 तो छोड़ो, 2024 तक भी अगर ये पुल तैयार हो जाए तो कहीं ना कहीं गनीमत होगी। लेकिन बता दें आपको कि यहाँ पर सीएम मनोहर खट्टर की जो औचक निरीक्षण होता है और निरीक्षण के बाद जो है अधिकारियों के पाँव फूलते हैं और लगातार काम में तेजी लाई जाती है। और भी लोग युवा लोग खड़े हैं। भाई साहब आप लोग क्यों घूम रहे हो यहाँ पर बताओ? मस्ती मार रहे हैं आप जी, आप बताओ? हम तो मस्ती मार रहे हैं जी। कपड़े पहन लो यार। हाँ जी आप घूमने आए हैं जी? घूमने आए हैं सारे, घूमने आए हैं मस्ती करने। अच्छा मस्ती करने आए हैं? हाँ जी। मस्ती गाड़ियां दौड़ेंगे इस पे? कोई ना फिर नहीं आएंगे, फिर पार्क में घूमेंगे। अभी फिलहाल युवा लोग भी मस्ती मार रहे हैं और पुल फिलहाल शुरू हो गया। सर 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 कैसे हैं? कैसे? अरे वाह वाह ठीक ठाक। सब बढ़िया। पुल स्टार्ट हो गया है जी? स्टार्ट हो गया बिल्कुल, जा रहे लोग। तो गाड़ी लेके तो आप ही जा रहे हो ना? नहीं जाना नहीं है, मैं देखने ही आया था बस। देखने आए थे। तो ये थे 26 जनवरी 2023 का जो हमने आपको बताया था रियलिटी दिखाने की। तो फिलहाल आरओबी जो है बनकर तैयार है, आप लोगों के लिए बनकर जो सज्जित हो रखा है और आप लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्थित है। और फिलहाल अपनी गाड़ियों को, दोपहिया गाड़ी, चार पहिया गाड़ी यहाँ पर आकर जो काफी दिनों से लोग जीरकपुर का जो लंबा 10 किलोमीटर का राउंड अप लेके आते थे उनके लिए सुविधा हो चुकी है। तेल की बचत वो लगातार होगी और साथ साथ में जो समय की बर्बादी होती थी उससे भी अब लोगों को निजात
मिलेगी। हालांकि जिस तरह बात करी जाती है उद्घाटन की, 26 जनवरी 2023 को उद्घाटन करना था तो उद्घाटन तो आज नहीं किया, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इसको खोल दिया गया है। आने वाले 2-4 दिनों में इसका औपचारिक रूप में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर इसका उद्घाटन भी करेंगे और लोगों को ये पुल जो है समर्पित कर दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, और जो अपडेट थी हमने आपसे जैसा वादा किया था उस अपडेट के अनुसार आपको हमने अपडेट किया। जय हिंद।